हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिस क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2f अपॉन cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है हर एक स्टेप को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आई थिंक को लिट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, sec स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या होता है कि cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x by sin x, और tan x इज इक्वल टू sin x by cos x। तो इसको sin cos में जब तोड़ेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x अपॉन ये क्या बनेगा, cos x अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा नीचे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इसकी जगह पे ये cos 2x का फॉर्मूला बन रहा है, तो cos 2x का फॉर्मूला बनेगा तो इसकी जगह पे cos 2x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x अपॉन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x अपॉन कि 2 से देखिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अच्छा ये नीचे है तो यहाँ पे है कॉस 2x। ठीक है, तो कॉस 2x और अपॉन में देखिए ये अपॉन में तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर डीएक्स। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर डीएक्स। यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ऊपर क्या किया कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बना जाके, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x ये 2 है, ठीक है, और अपॉन में क्या है कि देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है कि sin 2x का लिखे तो 2 cos 2x और अपॉन में ये बन जाएगा sin 2x, 2 sin x * cos x sin 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो i इज इक्वल टू 1/4 बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x, और इसको रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे sin 2x अपॉन cos 2x का होल स्क्वायर dx। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, तो देखिए 1/4 sec स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए 1/4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x, ठीक, साइन 2x अपॉन cos 2x ये क्या हो जाएगा tan 2x का होल स्क्वायर dx। अब हमें क्या लिख करना है कि tan 2x is equal to t, और यहाँ पे देखिए 1/4 बाहर है tan 2x is equal to t, तो यहाँ तुम नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तुम नोट करिए जल्दी से, इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तुम नोट कर लीजिए,
नोट हो गया होगा, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए क्या करेंगे, तो आगे हम क्या करेंगे कि tan 2x इज इक्वल टू लेट करेंगे t, तो लेट कर लीजिए tan 2x इज इक्वल टू t, tan 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर 2x, और यहाँ पे देख लीजिए कि 2x को जब x पढ़ा है तो इसका डिफर 2x का भी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख दिया और t का dt by d, तो dx इज इक्वल टू कितना आएगा dt by 2 sec स्क्वायर 2x, ये ठीक है, dx इज इक्वल टू dt by 2 sec स्क्वायर 2x। क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो 1 by 4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, tan 2x को t लिया तो t स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या आएगी कि dt अपॉन 2 sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 by 2 बाहर निकालेंगे, 1 by 2 क्या करेंगे हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए 1 by 4 और 1 by 2 तो 4 into 2 कितना करें हो जाएगा, 4 into 2 करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 by 8 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि t स्क्वायर dt, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1 by 8 t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 by 24, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दीजिए तो t इज इक्वल टू देखिए क्या है tan 2x, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए प्लस c, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, यहाँ से देखिए कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, क्वेश्चन नंबर सेकंड, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है, अब देखिए 1 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये होता है ना, पढ़ा होगा कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 की जगह पे इसे पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये फॉर्मूला होता है ना साइन 2x का, साइन 2x का भाई फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि हमने यहाँ अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है यहाँ पे साइन एक्स और बी क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन ओपन करिए तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स प्लस सी कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस सी कर देंगे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।